हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ क्लास वन। ओके, आपकी मैथमेनिया की बुक है क्लास वन, पेज नंबर है आपका 9। ठीक है, एक्सरसाइज है आपका 1.2। ठीक है, इसके पहले आपने क्या किया था, आपने नंबर नेम लिखे थे, है ना। 1 to 50 तक मैंने आपको नंबर नेम लिखने को बोला था, 1 to 10, फिर 11 to 20, फिर 21 to 30, है ना। इस तरीके से आपको लिखने के लिए बोला गया था। ये उसी से रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1.2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द नंबर नेम्स। यहाँ पे आपको दिया गया है 5, तो आपको 5 की स्पेलिंग लिखनी है। ओके, उस नंबर का नेम लिखना है। तो ये क्या हो गया, FIVE 5, TEN 10, यहाँ पे दिया है 23, तो TWENTY 20, THREE 3। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। ये 37, तो आपको 37 की स्पेलिंग लिखनी है। 14 है, तो आपको 14 की स्पेलिंग लिखनी है। 19 है, तो आपको 19 की स्पेलिंग लिखनी है। 30 है, तो 30 की स्पेलिंग लिखनी है। 48 है, तो 48 आपको स्पेलिंग लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आपको क्या करना है, नंबर नेम लिखने हैं, है ना। यहाँ पे 30 दिया, तो 30 लिखना है, THIRTY 30। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट द न्यूमरल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर नेम दिए गए हैं, उसको आपको नंबरिंग में लिखना है। SIX क्या होता है, 6, TWENTY 20, FIVE 5, ये क्या हो गया आपका 25। देन C में दिया है FORTY 40, THREE 43, तो आप क्या लिखोगे, 43। FIFTY 50, तो आप क्या लिखोगे, 50। 50 और 15 में आप देखिएगा हमेशा कंफ्यूज रहते हो, उसको आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। ओके, 15 तो 1515 और 50 तो 5050। ओके, यहाँ पे वैसे आपको दिया है ELEVEN 11, तो 11 लिखोगे। THIRTY 30, THREE 3, तो 33, तो 33 लिखोगे। ठीक है, FORTY 40, SEVEN 7, तो 47 लिखोगे। 21, TWENTY 20 और ONE 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 21। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपका पेज नंबर जो 8 है उसके हिसाब से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप ये वीडियो जब बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और स्पेलिंग तो आपको मेमोराइज़ कर ही लेना है 1 to 50, तभी आपसे ये बन पाएगा, वरना ये आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये आपसे नहीं बनेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको नंबर नेम जो है 1 to 50 याद करना है। ओके, ये मैंने आपको याद करने के लिए दिया हुआ था होमवर्क जो है, अगर आपने याद किया होगा तो ये आपसे इजीली बन जाएगा, अगर बट याद नहीं हुआ होगा आपसे तो ये इजीली नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लोगे, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब बनेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मम्मी पापा की हेल्प से आपको इसको कंप्लीट करना है, बुक को फिल करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप बुक को फिल करोगे और आप सेंड करोगे ग्रुप में। ओके, थैंक यू।